सत्य गुरु जी तुसी मेहर करो, मैं दर तेरे ते आई हुई मेरे कर्मा वल ना वेखियो जी, मैं कर्मा तो शर्माई हुई यही प्रश्न एक बेर दिल्ली में बीरबल से बादशाह अकबर ने किया कि बीरबल मैं हिंदू धर्म पर बड़ा विश्वास रखता और इसमें कोई संशय भी नहीं। अकबर ने, बाबर ने, हिमाऊ ने, इन लोगों ने कई बेर अपने शासन में गो हत्या को सर्वथा बंद कर दिया। अंतिम बादशाह बहादुर शाह जिनका तखल्लुस जफर था उन्होंने भी ऐसा ही किया था, गो हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस तरह के ये सज्जन बादशाह थे। अकबर ने पूछा कि हमारा धर्म तो पुनर्जन्म मानता नहीं, अगर पुनर्जन्म हो तो मैं चाहता हूं कि ब्राह्मण के घर में जन्म हो और मैं वेदों और दर्शनों को समझ सकूं, भारतीय संस्कृति का जिस देश का मैं बादशाह हूं असली तत्व और रहस्य समझ सकूं। पर वीरबल ये मेरी समझ में नहीं आता, ये पांच देवों की उपासना है, एक देव की उपासना से जाति का संगठन हो, भिन्न भिन्न देवों की उपासना से तो जाति में झगड़े पैदा होते हैं। वीरबल ने कहा महाराज इसका उत्तर बहुत जल्दी हो जाए। गर्मी के दिन थे, नौकाएं बुलाई गई, यमुना के शहर का आर्डर हो गया, बादशाह के साथ बड़े बड़े जो उमरा हैं, क्यों 70 होते थे खान और 72 होते थे उमरा, दो संख्या ज्यादा रखी जाती थी क्योंकि ये हिंदुस्तान। अब घूमने के लिए बड़े मिनिस्टर्स भी गए और कुछ दूसरे ऑफिसर भी, कोई कलेक्टर है, कोई कमिश्नर है, उन दिनों में दूसरे नाम थे, तहसीलदार है, माल ऑफिसर है, नाजम है। अब नौकाएं मंगाई गई, एक तो फर्स्ट क्लास और एक सेकंड क्लास, एक थर्ड क्लास। बादशाह के सामने पहले वो थर्ड क्लास की नौका ला के रख दी कि आप इस पर बैठे हो, राम राम, इससे तो ना फेर करना, हम तो इसमें नहीं बैठे। फिर सेकंड क्लास की लाई गई, वो भी उन्होंने ना पसंद की। अंत में जब फर्स्ट क्लास की नौका आई तो बादशाह ने पसंद की कि हाँ इस पर बैठ के चले और अपने कुछ प्रतिष्ठित अति प्रतिष्ठित अफिसरों को साथ बठला लिया और कुछ दूसरे अफिसरों के लिए सेकंड नौका के लिए अलाउ कर दिया कि उसको सेकंड क्लास की नौका मिले और बाकी जो साधारण साथी थे वो थर्ड क्लास की नौका में बैठ गए। तीनों नौकाओं में बैठ गए और नौकाएं चल दी। जब यमुना के पार गए वीरबल ने सलाम करके पूछा क्यों जी कोई आदमी ऐसा रहा जो नौका पर चढ़ा हो और पार ना आया हो? कहते सब पार आए। कहते अच्छा मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि अगर थर्ड क्लास की नौका होती क्या यमुना का सैर हजूर कर सकते? कहते नहीं। कहते भाई यही तो बात है, हमारे हिंदू धर्म ने इस संसार रूपी यमुना के घाट पर सभी ढंग की नौकाएं खड़ी कर रखी हैं, जो जिसके पसंद आए उस नौका पर बैठ के भवसागर को पार कर।